चुनावी रणनीतिकार और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। पीके ने ट्रेन चलाने और केंद्र को सुझाव देने को लेकर सवाल पूछा है। पीके ने ये भी पूछा है कि ये फैसला मानने में इतनी देर कैसे हो गई। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार को डबल इंजन सरकार बताते हुए प्रवासी मजदूरों के घर वापसी को लेकर ट्रेन का किराया मांगे जाने को लेकर बिहार की नीतीश सरकार को घेरा है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की यह खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सोमवार को नीतीश कुमार सरकार ने फैसला किया है कि वह सभी यात्रियों को टिकट के अलावा 500 रुपए भी देगी। इससे पहले पूर्व जेडीयू नेता प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए बिहार सीएम नीतीश कुमार को मजदूरों के मामले में घेरा। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर लिखा, देश के कई राज्यों में फंसे हुए बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं करने वाले नीतीश कुमार अब कह रहे हैं कि केंद्र ने उनके सुझाव पर लोगों के लिए ट्रेनें शुरू की हैं। सर, आपने ये सुझाव कब दिया और इसको मानने में इतनी देरी क्यों हुई? क्या गरीब लोगों से भाड़ा लेने का सुझाव भी आपका ही है? बता दें, देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे बिहार के लोगों को अब स्पेशल ट्रेन के जरिए उनके घर पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले नीतीश कुमार ने लॉकडाउन के नियमों का हवाला देते हुए लोगों को वापस लाने पर असमर्थता जाहिर की थी। इसमें कोटा में फंसे हुए छात्र और अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर शामिल हैं। यहां तक कि योगी सरकार द्वारा कोटा से बसों द्वारा करीब 8,500 छात्र वापस बुलाने पर भी नीतीश कुमार ने नाराजगी जताते हुए इसे लॉकडाउन का उल्लंघन बताया था। बिहार के छात्रों और मजदूरों की वापसी को लेकर विपक्ष ने भी नीतीश कुमार सरकार को जमकर घेरा है। हाल में गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई छूट के बाद अब प्रवासी मजदूरों और छात्रों को बिहार वापस लाया जा रहा है। ट्रेन में आवागमन वाले श्रमिकों से किराया वसूलने को लेकर भी विपक्ष जेडीयू सरकार पर हमलावर है। इस पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि गरीब मजदूरों की तरफ से 50 ट्रेनों का किराया आरजेडी वहन करने के लिए एकदम तैयार है, क्योंकि डबल इंजन सरकार सक्षम नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि बिना देरी किए वे नीतीश सरकार को इसका प्रबंध करना चाहिए। तेजस्वी ने प्रदेश के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की चुटकी लेते हुए कहा कि सुशील मोदी जी, कुल जोड़ बता दीजिए, तुरंत चेक भिजवा दिया जाएगा। वैसे भी आपको खाता बही देखने का शौक है। इसी बीच नीतीश कुमार सरकार ने फैसला किया कि वह सभी प्रवासी बिहारी यात्रियों को टिकट के अलावा 500 रुपए भी देगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार ने ट्वीट पर जानकारी देते हुए कहा कि कोटा से आने वाले किसी भी छात्र से रेल किराया नहीं लिया गया है। अगर किसी श्रमिक से रेल किराया वसूला गया होगा तो उसको बिहार सरकार पैसा वापस करेगी। 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद श्रमिक को 500 रुपया और दिया जाएगा। इसके बाद फिर से तेजस्वी यादव ने जेडीयू सरकार पर निशाना साधते हुए बार बार फैसला बदलने पर माखोल उड़ाया। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार के सीएम हमारी सकारात्मक और समावेशी पहल के बाद लगातार हर 2 घंटे में अपने स्टैंड और फैसले क्यों बदलते रहे हैं? क्या उनके पास इच्छा शक्ति की कमी और निर्णायकता नहीं है? पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।